भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बना रही है कांग्रेस, सरकार आने पर हिसाब पूछा जाएगा, कहना है पूर्व मंत्री कांग्रेस जीतू पटवारी का। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में मंत्री और प्रमुख सचिवों की संपत्ति भी देखी जाए। क्लर्क के पास 85 लाख मिले हैं तो विभागीय मंत्री के यहाँ कितने मिलेंगे। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बयान में यह भी कहा कि चुनाव में हर कलेक्टर गुलाब की भाषा बोल रहा था, लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहने देना चाहती है बीजेपी। वोट का अधिकार कैसे हटाया जाए, पैसे और तंत्र के दम पर सत्ता चाहती है बीजेपी। उसकी आवश्यकता फिर आ गई, महंगाई हो, नेशनल हेराल्ड को लेकर देश में दहशत हो, बेरोजगारी हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलन कर रही। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो मोदी मॉडल है लोकतंत्र की हत्या का, उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। जो शिवराज सिंह जी का कुप्रबंध है, मध्य प्रदेश के हालात बेहाल है, कर्जदार मेरा प्रदेश बन गया, आप और हम सब 21-21 हज़ार, 25-25 हज़ार से लेकर अब 50-60 हज़ार रुपये के कर्जे में आ गए एक एक परिवार का हिस्सा, और शिवराज सिंह चौहान रोज कर्जे लेने की बात करते हैं, जमीन सरकारी बेचने की बात करते हैं, संपत्तियां सरकारी बेचने की बात करते हैं, और जो शिवराज जी का स्वेच्छा अनुदान है 3 महीने में 90 करोड़ रुपया समाप्त, 90 करोड़ रुपया 100 करोड़ के लगभग 3 महीने में समाप्त, यानी एक दिन में कितना स्वेच्छा अनुदान लगा है, कहां जा रहा है ये पैसा। 200 करोड़ का फिर प्रोविजन स्वेच्छा अनुदान मुख्यमंत्री का, मतलब 3 महीने में 90 करोड़ जाते हैं तो लगभग 1 करोड़ रुपया रोज। विचारणीय प्रश्न है दोस्तों, देश में कर्जे में लेकर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, लूटाया जा रहा है। शिवराज जी ने हवाई जहाज खरीदने में कोताही नहीं बरती,